दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, और इससे पहले वाली वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए। साथ ही दोस्तों इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 25 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की। अब की बार एमपी बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है, लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर 2 नंबर वाले रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो केवल आपसे इस चैप्टर से आपको केवल अति लघुत्तरी वाले प्रश्नोत्तर तैयार करना है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस टाइप के आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सभी कवर किए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ओके, अगर आप क्या ध्यान से समझते हैं तो वीडियो को देखते ही देखते आप क्या क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे। पहला हमारा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। आगे देख लेते हैं सभी क्वेश्चन के, आपको जो सॉल्यूशन है 2-3 लाइन में आपको तैयार करना है, ज़्यादा डिटेल से नहीं तैयार करना क्योंकि 2 नंबर बस का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का क्या कारण है। देखो जैसे ही पूरे जो आपका संसार है, पूरे संसार में क्या है, तापमान बढ़ता जा रहा है। और अभी आप अनुभव करेंगे, हर साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 2020 की जो गर्मियाँ, फिर 2021 की, फिर 22 की, फिर 24 की, हमेशा क्या है सबसे ज़्यादा डिग्री आपकी बढ़ती जा रही है। ओके, पहले क्या है 35 डिग्री हाईजेस्ट होता था, अब 40 डिग्री, अब 50 डिग्री तक तापमान पहुँच चुका है। एक समय आएगा 60-65 तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आगे के समय। तो विश्व की जो तापमान वृद्धि होती बढ़ती जा रही, तो इसे क्या कारण है, साथ ही जो जलवायु उसमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो यह बदलाव आंतरिक और बाहरी कारणों से हो सकता है, मतलब आंतरिक कारण भी और बाहरी कारण भी। बाहरी कारण में जैसे सौर ऊर्जा विकिरण में बदलाव हो रहा है, ज्वालामुखी फटना आदि प्रमुख कारण है। इसके अलावा गतिविधियों के कारण जैसे जीवांश ईंधनों को जलना, ओके, और बड़े पैमाने में पेड़ों के काटे जाना, ये आंतरिक कारण जो व्यक्ति करता है। ओके, तो कौन कौन से कारण है कि एक तो जीवांश ईंधनों को हम जलाते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा पेड़ों को कटाई होती है, तो ये सब क्या है जलवायु परिवर्तन और विश्व ताप में वृद्धि कर रहे हैं। ओके, ये सब आपके कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रियो 20 क्या है, तो रियो 20 देख लेते हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो 20 जून यानी 20 जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सतत विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संदर्भित करता है। चूँकि 1992 और 2012 के शिखर सम्मेलन में 20 वर्ष थे, इसलिए इसे रियो 20 कहा गया है, क्योंकि इन दोनों के जो अंतराल है 1992 से 2012 के 20 साल का अंतर है, इसलिए इसे क्या है रियो 20 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से हासिल वह सामग्री है जिसका उपयोग जीवन का समर्थन करने तथा व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन हमारा क्या है, पृथ्वी से हमें हासिल सामग्री जिसका उपयोग हम क्या है जीवन के समर्थन तथा व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु, यहाँ हेतु हो जाएगा, हेतु किया जाता है। ओके, हवा, धूप, मिट्टी, पानी, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु, पत्थर, बालू इत्यादि सभी क्या है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। कंप्लीट हो जाता, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी की वजह से औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल में तापमान लगातार बढ़ता जाए उसे ही हम क्या है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किसके कारण तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। और लिखिए कि इसी की वजह से हो रहा, इसी की वजह से क्या होता है जबकि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण दीजिए संयुक्त संपदा के बारे में पूछे जा रहा है। तो वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है संयुक्त संपदा कहलाती है, संयुक्त यानी सभी लोगों का। तो वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक व्यक्ति का वास्तविक अधिकार ना होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है संयुक्त संपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए चारागाह, मैदान, मिट्टी, जैसे मैदान हो गया, नदियां हो गई, तो इसमें क्या है एक व्यक्ति का आधिपत्य नहीं होता है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, सभी एक संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, इसलिए क्या है वो आपका संयुक्त संपदा कहलाएगी। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक संपदा क्या है। तो वैश्विक संपदा यानी नाम ही में छुपा हुआ, वैश्विक संपदा यानी जो पूरे विश्व की संपदा हो, वह संपदा जिस पर किसी एक प्रभुत्व, एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता बल्कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय संयुक्त रूप से उसका प्रबंध करती है वैश्विक संपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह,
तथा बाह्य सत्ता। ओके, तो मतलब क्या है, ऐसी संपदा जिसमें किसी एक देश का, एक राष्ट्र का क्या है, अधिपत्य ना होकर पूरे सभी देशों का यानी पूरे विश्व का क्या है, उस संपदा पर अधिकार होता है। जैसे अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में कोई भी जा सकता है। वायुमंडल है, जैसे वायुमंडल है तो ये आपके सबके अधिकार है। जो समुद्र होते हैं, समुद्र के जो ऊपरी सतह है, आंतरिक सतह है, उस पर सभी का अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। सिंपल क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषि का व्यवसायीकरण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा अवैध खनन पर्यावरण प्रदूषण के क्या है प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के अनुसार कितने देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार कितने देश अभी क्या है जल संकट का सामना कर रहे हैं WRI की रिपोर्ट के अनुसार। तो WRI द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 1/4 हिस्सा गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। मतलब पूरी विश्व की 1/4 जो जनसंख्या है वो क्या है जल संकट का सामना कर रही है। पानी का गंभीर संकट झेलने वाले देशों की संख्या क्या है 17 है। मतलब पूरे विश्व में 17 ऐसे देश है जो क्या है पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु किए गए प्रमुख समझौतों के नाम। प्रमुख समझौतों के आपको नाम पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका अंटार्कटिका संधि हुई थी 1959 में, फिर आपका मार्टियल न्यायचार हुआ था 1987 में अंटार्कटिका, उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी पर्यावरणीय न्यायचार हुआ था। तो ये आपके दिए हुए हैं प्रमुख समझौते। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन क्या है। पृथ्वी सम्मेलन हम देख लेते क्या है। तो पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, हालांकि इसका अधिकारी नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास का संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई नई दस्तावेज जारी किए गए हैं। इन नई दस्तावेजों को जारी किया गया, उनमें से प्रमुख कौन कौन से दस्तावेज हैं, जैसे हमारा पहला है पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा, दूसरा है एजेंडा 21 और तीसरा हमारा वन नियमों का विवरण। ओके, तो ये आपका है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक नहीं है लेकिन आपको पर्यावरण आपका पृथ्वी सम्मेलन के बारे में अच्छे से तैयार करके रखना है क्योंकि इस चैप्टर पूरे से डिपेंड आपका रहता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं अनुराग सारी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, जिससे आप क्या है बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा संकट क्या है या मूलवासियों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो देख लेते मूलवासियों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा है उनके खिलाफ भेदभाव, उनको सताया जाना, उन्हें विस्थापित करना, और यहाँ आपको विस्थापित करना हो जाएगा, उनके लुप्त होने पर उन्हें खोजना नहीं, साथ ही बहुत से मूलवासियों, यहाँ मूल आपका निवासी हो जाएगा, मूल निवासी समुदाय जिन्हें साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता, जिनके बच्चे भूखे रहते हैं तथा जिनकी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और गुनहगारों को सजा तक नहीं होती है, यही कारण क्या है उनके अस्तित्व के खतरे हैं। एक बार पढ़ लेना है तो आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मूलवासियों की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। तो मूलवासी उनकी प्रमुख मांगे क्या है, मूलवासी यानी आदिवासी समुदाय जो क्या है जंगलों में रहता है। ओके, उनकी यहाँ बात की जा रही है। तो इसका उनकी मांगे कौन कौन सी है, तो उनकी मांगे हैं वैश्विक स्तर पर मूलवासियों को है बराबरी का दर्जा दिया जाए, जिस प्रकार से नॉर्मल व्यक्ति को क्या है अधिकार दिए जाते हैं इस प्रकार से मूलवासियों को भी अधिकार दिए जाए। दूसरा है मूलवासियों की अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए, मूलवासियों को देश के विकास का भरपूर लाभ दिया जाए, साथ ही मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाए। मतलब मूलवासी के जो साधन है उनका क्या है ज्यादा उपयोग न किया जाए सरकार के द्वारा या नॉर्मल लोगों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के पावन वन प्रांत क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है पावन वन प्रांत क्या है। तो भारत के पावन वन प्रांत वनों के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें से काटा नहीं जाता या जिन्हें काटा नहीं जाता है। इन स्थानों पर देवी देवताओं या किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है, इन्हें ही क्या है पावन वन प्रांत या देवस्थल कहा जाता है। मतलब क्या होता है जो जंगलों की अगर कटाई हो रही है ओके, तो वनों में क्या है कुछ हिस्से छोड़ दिए जाते हैं, उनकी कटाई नहीं होती है, उन स्थानों पर क्या माना जाता है कि यहाँ देवी देवताओं का वास है या पुण्यात्मा का वास है, उन एरिया को हम क्या कहते हैं पावन वन प्रांत। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साझी संपदा किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो साझी विरासत का अर्थ क्या होता है, साझी अथवा संयुक्त विरासत का अभिप्राय इन संसाधनों से होता है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय स्तर पर नदी, कुआं, चारागाह इत्यादि संयुक्त या साझी संपदा के उदाहरण हो जाते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो आपका मैंने आपको संयुक्त संपदा बताया, तो संयुक्त संपदा कहें या आपकी साझी संपदा कहें एक ही बात है, ओके। तो यही आपका वही आंसर हो जाता है कि साझी संपदा या संयुक्त संपदा क्या होती है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर क्या किसी पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वो आपकी साझी संपदा या आपकी क्या कहलाती है, संयुक्त संपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए आपकी नदी हो गया, कुआं हो गया, चारागाह हो गया, मैदान हो गया, ओके। तो ये सब क्या आपकी साझी संपदा के उदाहरण हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो के हमने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, कि वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।